मैक्सवेल की चार इक्वेशंस जिसको बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आप चेक करें कि हमने जितना भी काम अभी तक किया वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे ही किया, और अब हम ये क्लोज करने जा रहे हैं ईएम वेव के बाद पार्ट टू जो है वो ऑप्टिक्स के ऊपर है, इसके ऊपर है ही नहीं। तो इसमें ये बताया गया कि चार इक्वेशन जो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो है डिफाइन करती है, और ये अजम्पशन के साथ कि उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कि ना तो म्यू आ रहा है ना एप्सिलॉन आ रहा है, सिर्फ वैक्यूम है। तो उसके लिए पहला लॉ जो हमने किया था, जो पूरे जो किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता है, वो गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ अगर आता है तो कहीं पर भी ई निकाल सकते हैं, चाहे पॉइंट चार्ज हो चाहे ना हो। दूसरा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म आपको बी की वैल्यू निकाल के देता है, पर ये हमने नहीं किया। थर्ड, फेराडेज लॉ हमने किया कि अगर चेंज ऑफ ई डॉट डी एल लेते हैं, ई डॉट डी एल हम मैंने करवाया नहीं अभी आपको, लेकिन इतना बताया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर फाई है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। फिर उसके बाद हमने मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ किया और कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आया। तो ये चार इक्वेशन जो हैं वो डिफाइन करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।